Hey guys, welcome back to the my channel Vatayas Ganja. जी हाँ, आप लोगों ने तो सही सुना है, मैं हूँ वतायस गंजा, मतलब कि केशव। तो आज हम लोग फिर से खेलेंगे पकवान ग्लेज। तो पिछले हम लोगों ने जिम जीत लिया था, जहाँ पे उसका लास्ट पकवान रिवाइल था और मुझे स्वेलो मिला था पिछले एपिसोड में, मतलब मिला क्या था, इन्वॉल्व किया था। और आज भी हम लोग स्वेलो को आगे रखे हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं नेक्स्ट सिटी में। ओके, तो यहाँ से जाना है और मैंने किसी भी ट्रेनर्स को हराया नहीं रास्ते में, मतलब उनको हरा दूंगा। तो चलिए चलते हैं इधर से। वैसे रास्ते में बहुत से ट्रेनर मिल सकते हैं हम लोगों को, जिनसे हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी। वैसे मैंने पूरा मतलब घूमा था, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं मिला, तो मैंने आप लोगों को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। ओके, तो फाइट करते हैं इनसे, देखते हैं क्या करती है हमारी स्वेलो। अच्छा, स्नोरन, ठीक है। तो हम लोग इंडियो, लेकिन ये फेल हो गया, दूसरा यूज़ करते हैं आइस पिन। बहुत गजब होता है भाई, हमारे पास लेकिन आइस टाइप है ही नहीं। और गाइस, हाँ, मैं पकवान करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा था गिबेल। तो अगर आज हम लोगों को कहीं गिबेल की मतलब हुआ, तो हम लोग आज हम गिबेल को ढूंढेंगे, अगर उसके आसपास हुए तो। ओहो, लेकिन गिबेल फायर टाइप है, मैं नहीं चाहता। तो मैं किस टाइप का पकाऊँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा गाइस। और मैंने ग्लेशियन के बारे में बताया था आप लोगों को, अगर आइस टाइप चाहिए तो ग्लेशियन आप ले सकते हैं पिछली सिटी से, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मतलब मेरा पिछला वीडियो मेरे चैनल पर। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस गेम से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही डालता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रॉक स्मैश करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और हमें पिछला सर्फ मिल गया था और अब HP UP मिल गया है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। ओके, तो इसने चैलेंज कर दिया है, पीछे वाली पोकेबॉल कैसे लूँ मैं। ओके, इसके पास तीन है, तो मैं लड़ लेता हूँ स्मोक चम। इसके ऊपर मैं विंग अटैक यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो विंग अटैक से हार गया है पहले, मतलब वन हिट को हो गया है। अब आ रहा है जेंस, यहाँ पर मुझे आईसी टाइप होंगे सारे। आगे मैं गया था तो केप थी, तो चलिए चलते हैं। और पहले हम लोगों को सर्फ मिला था, मुझे याद भी मैंने किस कुछ खाया, जहाँ तक मैंने सौंप और कुछ खाया था, तो चलिए चलते हैं। और गाइस, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप लोग अगर बता दें मुझे मैं किसको पकड़ूँ, तो अगर आप लोग जल्दी बता रहे तो मैं आप ही का मन का पकड़ लूँगा, और अगर आप लोग नहीं बता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने मन का भी पकड़ सकता हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने सर्फ किसी को नहीं सिखाया, चलिए सिखा देंगे अभी। ओके, मुझे मैंने सिखाया था। ओके, तो आगे चलते हैं अब। ओके गाइस, तो हम लोगों ने सिखा दिया है सर्फ अपने स्वैम्प पॉट को। आप लोग पूछेंगे कैसे, तो गाइस मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, सॉरी, बट मैंने सिखा दिया है। और हम लोग पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास किसके टाइप के, मतलब एक है फ्लाइंग टाइप, एक वाटर टाइप और एक ग्रास टाइप में है ना अपने पास। ग्रास टाइप में किसको पकड़ लें, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ पोकेमॉन्स पता होता तो मैं उन्हीं को पकड़ता, ठीक है ना गाइस। तो मैंने सर्फ सिखा दिया है, मतलब अपने स्वैम्प पॉट को। और मुझे लगता है आज हम लोग नेक्स्ट के पहुंच जाएंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी सर्फ यूज करते हैं। ओके, सो बस इसका लास्ट आ रहा है ग्लेशियन, और ग्लेशियन बहुत देखने को मिल गया हम लोगों को, मतलब। और जितना हो सके मैं तीनों बैटल स्किप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहता, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, फिर आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ओके, ओके, तो इधर कैसे जाऊँ यार, इधर आके पोकेबॉल्स तो लेनी पड़ेंगी ना। ओए, वो नीचे कौन था जो तैर रहा था, एक मिनट, कोई तो था, देखना गाइस, ये गोल्डीन की तरह लग रही ना, गोल्डीन हम लोगों को ले जा रही है, मतलब
ओके okay, तो आप शायद हम लोग ले सकते हैं पोकेबॉल, तो चलिए पहले पोकेबॉल ले लेते हैं जल्दी से। अरे पोकेमॉन बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। एक ड्रैगन टाइप पकड़ लेते हैं, ड्रैगन टाइप का भी मतलब एडवांटेज बहुत होता है। ओके okay, तो पोकेबॉल ले लेते हैं कार्लोस। ओके तो इस पोकेबॉल को भी उठा लेते हैं यहाँ से। जिम ठीक है ओके okay, तो चलो अब हम लोग इस केप को पार करते हैं, लेकिन रिपेल यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे पोकेमॉन्स मिले हम लोगों को जो कि मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं रिपेल यूज़ कर लेता हूँ। रिपेल 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 ओ सुपर रिफिल पड़े तो हैं गाइस। ठीक है तो मैं सुपर रिफिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कर लिया। तो ठीक है हम लोगों ने ये बैटल स्किप कर दी। ओके तो चलिए आगे चल बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी है, ले लेते हैं। हमें मिला नेवराई, क्या क्या था वो, मैंने कुछ समझा नहीं वो था क्या। ओह बड़ी जल्दी हम लोगों ने पार कर लिया यार, ये तो मतलब एक रिपल में पूरी केप पार हो गई। हम लोगों ने सारे तीनों बैटल स्किप कर दिए ना इसलिए। ओके तो हम लोग आ गए हैं कहाँ, अरे ये तो आइसक्रीम, हम लोग आए कहाँ यार जरा बताओ तो। ओके तो हम लोग हैं केप अजोर में। ओके सो लेट्स ओके तो चोको टाउन। अच्छा हम लोगों को चोको टाउन जाना है, टेम्पलर टावर सॉरी केसो आई एम नर्वस अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट हैपनिंग सून, ट्राई टू कीप अप फोकस्ड ऑन गेटिंग बैचेस एंड इफ कंटेंट यू इफ समथिंग कम्स अप वन यू get the blaze badge, fly to Choco Town and surf to the east BC. okay और हम लोगों को तुनक सफारी जून में जाना है, मतलब कि वो हरी हरी सैली नहीं थी। ओ इन दोनों इधर चल के देखें क्या, अरे मैच हो रहा है। ओ दादा लाल यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ये बेरीज बना रहे हैं, इनको बनाने देते हैं। और दादा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ओह ओह बेरी बेच रहे हैं, ले ले क्या ले लेते हैं थोड़ी बहुत बेरी, चेरी बेरी इतनी काफ़ी रहेंगी ना, और ले लेते हैं बेरी, सही है ले लेते हैं थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा, पैसे तो भरे हैं ना, और 20 पोके डॉलर की एक है, कितनी सस्ती है, मतलब इससे सस्ती चीज़ और कहीं मिल सकती है। ओके तो हम लोग सारी बेरीज लेंगे, इससे शायद पोके ब्लॉक बना सकते हैं हम लोग। वहाँ पे दादालाल के पास पोके ब्लॉकर मिक्सर भी था। ओके तो ये ले लेते हैं फर्जन, और ये हम लोगों को उसके काम भी आती है। ऑरेंज बेरी सबसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि ये हमारी एचपी बढ़ा देती है, मतलब 20 एचपी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। और लम बेरी ले लेते हैं, लम बेरी भी अच्छी होती हैं, मैंने मतलब और भी गेम्स में ट्राई किए हैं। बेरीज को हम लोग खरीद लेते हैं, सिट्रस बेरी ले लेते हैं। तो ठीक है हम लोगों ने सारी बेरीज ले ली हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बस अब मुझे नहीं चाहिए, इससे बात कर ले, ये भी कुछ बेच रही है। हेलो दिस इज द रिसेप्शन काउंटर ऑफ पोकेमॉन कॉन्टेस्ट, ओह इट अफेयर दैट यू डोंट हैव पोके स्नैक केस, नहीं हमारे पास नहीं है और नॉट पोकेमॉन स्नैक। ओके तो इसमें हम लोगों को पोकेमॉन स्नैक केस दे दिया है, और कह रही है हम लोग क्या कंटेंट भाग लेना चाहेंगे। तो गाइस अभी के लिए तो मुझे नहीं लेना है, बाद में जरूर तय करूँगा आप लोगों के लिए। ओके तो अब बेरीज से पोके ब्लॉक कहाँ बनाए जाते हैं ये मुझे नहीं पता, वो जो मैं कह रहा था शायद वो हो सके, एक बार ट्राई कर लें उसमें क्या है ना। ओ डिड यू वॉन्ट पोके ओल्ड टाइमर, एक्सीलेंट डू यू मेक, यस चलो देखते हैं कैसे। Starting the berry blender. Select berry. Confirm.
रुके तो मैं करूं क्या, करूं क्या मैं? ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस ए दबा रहा हूँ और ये अपने आप हो रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा भैया। ये है क्या, क्या है भाई ये क्या बला होगा? अच्छा जो ऊपर भर रहा है उसको भरना है शायद। तो पहले तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी खूब सारी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर मेरा जल्दी जल्दी भर रहा है। आपको ये दबाए रखना है गाइस, मतलब होल्ड ऑन करना है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। देखिए जरा मेरी स्पीड को, मेरी बढ़ती चली जा रही है। और फिर आपको ये जो लाल चार साइन है आपके दो हैं उन पर क्लिक करना है आपको, और स्पीड धीमी हो गई है मेरी। मैं फिर से दबाए रखता हूँ, बढ़ जा। ओके तो ये तो मुझे मज़ा आई, मतलब पोकेमॉन ब्लॉग बनाने में आप लोगों को भी जरूर मजा आएगी। ओके तो गाइस हम लोगों ने कर लिया कैसे ओ हमारी गलतियाँ बहुत हैं और सही से पास हुए। अरे यार हमें मिला क्या भाई? ओके सो मेक लेवल 11 फीलिंग्स। नो बस भैया एक मिनट, पोकेमॉन स्नैक में मतलब उसमें चेक करते हैं क्या है ये। क्या करें, इसको दे दें? यस चलो टू द रेड पोकेमॉन। इससे क्या हो गया? यूपी कूल। इससे हुआ क्या? हाँ फालतू का। चलो ठीक है, हम लोगों यहाँ से इसको मतलब स्वेल को हील करना है। पोकेमॉन सेंटर चलते हैं सबसे पहले तो हम लोग। ओके गाइस तो हम लोग पोकेमॉन सेंटर आ चुके हैं। ठीक है तो हील करते हैं और सफारी जोन चलते हैं। और हो सकता है आज के एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट सिटी ना जा पाएँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, अगले में जाएंगे। ओहो चलो 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 चलो, एक मैं उससे बात करूँ क्या लड़के से? अरे सफारी जोन यू गेट रियली ऑसम इफ यू मैनेज टू कैच मोर देन 20 पोकेमॉन इन द सफारी जोन। ओके अगर हम लोगों ने 20 पकड़े तो ये देगा। इसमें सफारी जोन अलाउड, जहाँ तक मैं जानता हूँ अंदर हम लोगों को रिपल नहीं यूज़ करने दिया जाएगा। तो मैं एक रिपल यूज़ कर लेता हूँ गाइस, मैं सच कह रहा हूँ, रिपल यूज़ करूँगा तो मेरा ही फायदा है। ओके तो चलिए अब पहले इससे बात करते हैं। वेलकम टू सफारी जोन, यू फर्स्ट टाइम? ये हाँ मुझे अंदर जाना है। अरे जाने दो ना, इससे बात करते हैं। ये जाने देगा शायद। ओके तो हम लोग चल रहे हैं गाइस अंदर। ओए लड़की यहाँ क्या कर रही है? कैच अच्छी अच्छा। ओके तो कैच करते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को पोकेमॉन मतलब कितने पकड़े हैं वो लिख के आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, हम लोगों को 20 पोकेमॉन पकड़ना है इसलिए मैं। अरे यार गलती कर दी रिपेल यूज़ करके गाइस, मैं भी ना कितना बेवकूफ़ हूँ। चलिए जल्दी जल्दी मतलब फालतू करते हैं रिपेल को। ये क्या है देखें, क्या उतर के देखते हैं एक बार। पोकेमॉन फीडर ये था क्या मतलब? ओके हम लोग और बेरीज बना लेंगे, अभी के लिए हम लोग इधर चलते हैं। मैंने अब क्या बताऊं गाइस, रिपल यूज़ करके पागल वाला काम किया है। ओके तो हम लोग ये भी वही है सर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो वापस चल। ओहो रिपल का वर्क ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं मतलब, तो एक्सयू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स देख। ओहो बड़ा खतरनाक है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा भाई?
आजा पकड़ में, आजा 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 ना पकड़ में तू। ओके ओके गाइस, तो मैं पकड़ तो नहीं पाया, वो भाग गया, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, टाइम बहुत हो रहा था ना। तो चलिए जल्दी जल्दी इस पोकेबॉल को भी ले लेते हैं इधर से। ओह हो डाइनो, इसको भी पकड़ की कोशिश करते हैं। ओह सारे पोकेमॉन बड़े नखरेबाज हैं। ओके तो मैं पास आ गया हूँ, अब देखते हैं। ठीक है गाइस, मैं रन कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम लगे। अरे क्या इनको पोके स्नैक खिलाने से शायद ये, इसीलिए पोकेमॉन स्नैक मुझे बना लेना चाहिए ज़्यादा, एक मुझे पता नहीं है ना ज़्यादा गाइस, इसलिए चलो ठीक है। अभी हम लोगों को रन कर दिया और पोकेमॉन को नहीं पकड़ रहे हैं, मतलब जो पकड़ में आएंगे सिर्फ दो बॉल फेंकेंगे, अगर पकड़ में आते हैं तो पकड़ो, नहीं आते तो मैं नहीं पकड़ रहा गाइस सचमुच। इसके ऊपर तीन बॉल, चलो एक और बॉल फेंकूंगा अभी अगर कैच। ओके देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो गाइस मैं अब भाग रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पकड़ में नहीं आने वाला। मैं अपना, अगर मेरा टाइम ऑफ पोकेबॉल बर्बाद करनी हो तो मैं यहाँ खड़ा रहूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी बर्बाद, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे भी वीडियो बंद करने का टाइम बस होने वाला है। ओह वाह फिर चलो पकड़ के देखते हैं, तुम तो आ जाओ यार, एक पोकेमॉन तो पकड़ लेने दो। मैं एक भी पोकेमॉन नहीं पकड़ पाऊंगा क्या यार, लगता है नहीं पकड़ पाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही कठिन लग रहा है मुझको। ओके तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पकड़ में नहीं आने वाला। ओके तो हम लोग इधर चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक पोकेमॉन फेंकूँ और चलूँ। ठीक है तो मैं जानता था ये नहीं पकड़ में आएगा और ये खुद ही भाग गया, चलो अच्छा हुआ। ओहो रोर मिला, बेकार है, चलो कोई सी काम करें। ओके तो ओह रायडॉन नहीं, रायहॉन नहीं पकड़ में आएगा, अगर पोकेमॉन बैटल होती तो मैं जरूर पकड़ लेता। ओह ठीक है गाइस, हम लोगों ने कम से कम एक पोकेमॉन तो पकड़ा, जो कि है हमारा रायहॉन रॉक टाइप। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास रॉक टाइप एक भी नहीं है, है ना। गाइस इसे पकड़ना पड़ेगा, इसे पकड़ना पड़ेगा, ये बढ़िया पोकेमॉन है, इसे पकड़ना पड़ेगा यार, तब बढ़िया आएगा। इसे पकड़ूंगा और ट्रेन करूंगा अगर ये पकड़ में आ गया तो। अरे यार भाग गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसी का अगला स्टेज था वो, और मैं पोकेबॉल्स को नहीं खत्म करना चाहता, क्योंकि हम लोगों ने अब तक ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े नहीं है, जिससे हम लोगों के लिए क्रिएट हो सकती है बिग प्रॉब्लम। एक्सू को एक बार और पकड़ के देखते हैं, शायद पकड़ में आ जाए एक्सू, आ जाए एक्सू, नहीं आएगा, चल भाग जा फिर यहाँ से। तो ठीक है मैंने भगा दिया है, अब हम लोग सैली को ढूंढते हैं, जो कि हमें ब्लैक ने कहा था सैली को ढूंढने के लिए। ओके तो इधर चल, इधर नहीं गए थे हम लोग, इस बंदे से बात कर लेते हैं। इफ यू रियल चैलेंज डाइनो, अरे कह रहा है 64 पे डाइनो इन्वॉल्व होता है, वेलकम। ओहो ये दिखा रहा है हम लोगों ने एक पोकेमॉन पकड़ लिया, अच्छी बात है पकड़ लिया। ब्लू बॉक्स टू हिल पोकेमॉन स्नैक्स, लेकिन मैं देख चुका हूँ, तो इधर चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ओह ये रही सैली गाइस, और पोकेमॉन पड़ी है पीछे तो उसको पकड़ लूंगा। सैली आ Don't do that. Kesa, I guess the blue-haired guy gave you the message. How about me? Battle again? Yes. मैं battle से कभी पीछे नहीं हटता, पीछे लगातार battle आए। Okay, तो इसके पास चार पोकेमॉन है, कोशिश करते हैं अपने swallow से इसको मात देने की। Okay, तो wing attack use करते हैं, और poke block का कुछ असर नहीं हो रहा क्या यार? वो फालतू चला गया, मतलब कोई असर ही नहीं हुआ। तो ठीक है मैं रायहॉन को भेज के देखता हूँ, रायहॉन को भेज मैं ट्रेन करूँगा आप गाइस, रायहॉन मेरी टीम में आ चुका है, अब उसे ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा हमारे पास अब तक एक भी रॉक टाइप नहीं था, तो अब आ चुका है, तो इसलिए मैं अब रायहॉन को करूँगा, जिससे एक बढ़िया टीम बनेगी और वो मिल जाता, मतलब डाइनो का अगला स्टेज तो मज़ा ही आ जाती है।
बट कोई बात नहीं, एक पोकेमोन तो हम लोगों ने पकड़ा जो कि है रॉक टाइप। ओके तो गाइस हम लोगों ने रॉक टाइप पकड़ लिया है। ओके तो राइहॉर्न को हराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हार नहीं रहा, बस एक स्टंप और लग जाए। ओके तो राइहॉर्न ने अपनी फर्स्ट बैटल बड़े आराम से जीती, मतलब उसको बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब आ रहा है ब्रेलूम, ठीक है तो मैं इन्फिनिट को निकालता हूँ। इन्फिनिट को अच्छा बहुत टेंट कर दिया ना, चलो ठीक है। और मैं अपने राइहॉर्न को एक्सपीरियंस शेयर दे दूँगा, जिससे वो हर बैटल में मतलब इन्वॉल्व होता रहेगा। और कुछ नेक्स्ट पोकेमॉन थोड़ी देर में पकड़ेंगे, मतलब अभी तो पकड़ ही लिया हम लोगों ने कई पोकेमॉन्स को, मैग्नीनियम आ रही, उसके लिए मैं इंटरनेट का ही यूज़ करूँगा, ठीक है ना गाइस। तो बैटल तो बढ़िया हो रही है, मुझे लग रहा है आज मैं हम लोग नेक्स्ट सिटी नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं अगले में चलेंगे। और अगले में हो सकता है हम लोग जिम बैटल भी करें। ओह पैरासेक तुम तो गए, मुझे इसने सारे कीड़े मकोड़े पाल रखते हैं, एक वो मैग्नीनियम कीड़ा, एक ये पैरासेक कीड़ा और एक वो ब्रेलूम कीड़ा, तीन कीड़े पाल रखते हैं इसने। मुझे एक ग्रास टाइप हम लोगों को भी चाहिए ना, फिर हम लोगों के पास ऑल टाइप के पोकेमॉन हो जाएंगे। चलिए सो आई अगेन लूज, ओके यू आर ओके। तो हम लोगों को मिल गई ये डार्ट बाइक जो कि मतलब साइकिल है। ओके तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो मैं पोकेमॉन को उठाता हूँ और यहाँ से भागता हूँ। एक बार मैं डार्ट बाइक को मतलब अरे आ गया ये रे, रजिस्टर कर देता हूँ पहले। और अब हमें सेलेक्ट दबा, एक मिनट अरे ओके गाइस, रजिस्टर करने के बाद आपको बस सेलेक्ट दबाना है और सीधा चलना है, मतलब सेलेक्ट दबाने से आ जाएगी और चली जाएगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, बड़ी आसानी से हम लोग अब बाहर निकल जाएंगे। ओके तो लेट्स बिगिन। ओ गाइस हम लोग बस एक ही पकड़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बड़ी मज़ा आई सफारी जोन में। ओके तो उसे ये एक पे तो कुछ देगा नहीं, हैव ये सफारी जोन रियली ऑसम बट ओके चलो कोई बात नहीं गाइस, मुझे कोई दुख नहीं है कि इसने नहीं दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोगों ने आज एक नया पोकेमॉन्स भी पकड़ लिया जिसका नाम है राइहॉर्न। और हम लोग अपने पीछे में चेक कर लेंगे कितने पोकेमॉन पड़े, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं चेक नहीं कर रहा जॉब। ओके तो आगे और कुछ देखना है तो मैं देख लेता हूँ जरा सा थोड़ा सा। ओके तो दादालाल से बात कर ली थी मैंने, और यहाँ पे क्या होता है भाई दादालाल गाइस कितने पैसे मांग रहा है, नहीं जाना भैया सॉरी गलती से आ गए हम। और इसमें कुछ है क्या, नहीं कभी कभी निकल आता है ना गाइस, इसलिए मैंने चेक कर दिया। और नेक्स्ट सिटी पहुँच गए क्या, पहुँचे नहीं नहीं, आज की वीडियो मुझे बहुत लंबी हो गई है, तो मैं जानता हूँ गाइस आज के दिन कुछ खास नहीं हुआ बट आप क्या करें। लेकिन अगली वीडियो में ज़रूर जिम बैच करूँगा मैं, हर हालत में करूँगा, आप लोग इसलिए तैयार रहिए, अगले मतलब इंतज़ार कीजिए बस अगले का। ओके तो हम लोगों ने कर लिया, और एक काम और कर लेता हूँ मैं, एक्सपीरियंस शेयर दे देता हूँ उसको। अरे सॉरी 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 गलत कर दिया, गिव राइहॉर्न को दे देता हूँ। ओके तो अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।